हेलो एंड वेलकम टू सैयद्स किचन। आज हम बना रहे हैं चिकन पिज़्ज़ा पिनव्हील्स या चिकन पिज़्ज़ा रोल्स। इनको बनाने के लिए सबसे पहले हम ड्राई एक्टिव ईस्ट को एक्टिवेट करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर आधा कप नीम गर्म पानी लिया है, जिसमें हमने एक टेबलस्पून भरकर ड्राई ईस्ट डाल दी है। इसी के साथ इसमें हम एक टेबलस्पून चीनी भी ऐड करेंगे। दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक्टिवेट होने के लिए छोड़ देंगे। अब एक मिक्सिंग बोल में हमने 1.5 कप मैदा लिया है। इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून भरकर मिल्क पाउडर का ऐड करेंगे और साथ ही 1/2 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून जितना हमने इसमें मेल्टेड बटर ऐड कर दिया है। इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर साइड में रख लेंगे। हमारी ईस्ट भी एक्टिवेट हो गई है, तो अब इसको हम इसमें ऐड करके एक नरम आटा गूंदेंगे। अगर आपको पानी कम लगे तो नीम गर्म पानी ऐड बेशक कर दें। देखिए, हमने बिल्कुल सॉफ्ट सा आटा गूंद लिया है। इसको हमने बटर से कवर कर 2 घंटे के लिए छोड़ दिया है। दूसरी तरफ हमने यहाँ पर चिकन श्रेड कर रख ली है। साथ ही हमने जो आपकी मर्ज़ी हो उस तरीके के वेजीज काट कर रख लें। हमने अनियन ली है और थोड़ी सी शिमला मिर्च ली है। यहाँ पर हमारा जो डो है वो भी एक्टिवेट हो गया है। वेजीज आप अपने हिसाब से जो ऐड करना चाहें वो ऐड कर लें। हमने डो को थोड़ा सा गूंद लिया है। अब एक सरफेस को हम क्लीन कर लेंगे। इसके ऊपर हम थोड़ा सा मैदा छिड़क देंगे। सरफेस को मैदे से बहुत अच्छे से डस्ट कर लेंगे। इस सरफेस पर हम एक बड़ी सी रोटी, स्क्वायर रोटी रोल करने वाले हैं। तो उस तरीके से हमने उतने एरिया पर मैदा स्प्रेड कर दिया है। देखिए, हमारा आटा जो है बहुत अच्छा, बहुत नरम, सॉफ्ट आटा बनकर रेडी हुआ है। इसको अब हम रोल कर लेंगे। पिज़्ज़ा की ब्रेड जब रोल करते हैं उससे थोड़ा सा हमने इसको पतला रोल किया है, क्योंकि इसको आगे हम इसके पिनव्हील्स बनाएंगे, तो उस हिसाब से हमने इसको ऐसे रोल किया। अब देखिए, इसको हमने जितना हो सका है उतना स्क्वायर शेप देने की कोशिश की है। अब इसके ऊपर हम पिज़्ज़ा सॉस स्प्रेड कर देंगे। बहुत ज़्यादा सॉस नहीं स्प्रेड करेंगे, क्योंकि इसको रोल करना है, बाद में कट करना है। अगर आपने बहुत ज़्यादा स्प्रेड किया तो ये बाहर ऊज आउट हो जाएगा, तो इस वजह से हमने इसको हल्का हल्का स्प्रेड किया है। यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि हमने इसको कैसे स्प्रेड किया है। आप चाहे तो रेडीमेड सॉस ले ले या घर पर सॉस को बना ले। अब ये जो चिकन हमने श्रेडेड चिकन थी, जिसको हमने बस नमक मिर्ची और थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डालकर बॉईल किया था और श्रेड कर लिया था, वो इसके ऊपर सारी स्प्रेड कर दी है। अपनी मर्ज़ी के आप इसके ऊपर वेजी स्प्रेड कर दें। स्वीट कॉर्न अगर आप चार डालना चाहे तो वो डाल दें, मशरूम्स डालना चाहे मशरूम्स डाल दें। हमारे पास जो वेजीज अवेलेबल थी हमने उनको ऐड कर दिया है। सबसे आखिर में हम इसके ऊपर चीज़ ऐड करेंगे। तो हमारे पास ये स्लाइस की हुई चीज़ पड़ी ही थी, तो हमने ये ऐड की है। हमारे बच्चों को भी ये ज़्यादा पसंद है, तो इस वजह से हमने ये यूज़ की है। आप चाहे तो प्रोसेस चीज़ या मोत्सरेला चीज़, जो आपकी मर्ज़ी है, वो आप इसके ऊपर स्प्रेड कर दें। सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से स्प्रेड कर लिया, लेकिन आप 2 कॉर्नर्स देखिए, हमने दोनों कॉर्नर्स के ऊपर ज़्यादा स्प्रेड नहीं किया, इनको छोड़ दिया है। इन कॉर्नर्स के ऊपर हमने पानी लगा लिया है, बहुत अच्छे से पानी स्प्रेड कर लिया है, और इसको हम इस तरफ से रोल करना शुरू कर लेंगे। जिस तरफ से रोल करेंगे उस तरफ बहुत अच्छे से पानी स्प्रेड कर दें, और देखिए इसको टाइट टाइट ही रोल करना है। अब ये देखिए, इस कॉर्नर पर भी हम दोबारा से पानी ऐड कर रहे हैं। पहले भी पानी स्प्रेड किया था, अब एक और दफ़ा पानी लगा रहे हैं ताकि ये बहुत अच्छे से सील हो जाए। 2-3 दफ़ा हम इसको ऐसे ही हाथ से प्रेशर देते हुए रोल करते जाएंगे ताकि ये बहुत अच्छे से सील हो जाए। अगर आपको कहीं से लगे कि कहीं से सील नहीं हुआ, तो दोबारा से पानी ऐड करके उसको सील कर ले। कॉर्नर्स को भी हमने इसी तरीके से पानी लगाकर हल्का हल्का सील कर लिया है। अब बिल्कुल एक शार्प नाइफ को हमने मैदे से बहुत अच्छे से डस्ट कर लिया है, और इसके 1-1 इंच के हम पीसीस कर लेंगे। सो सबसे पहले हम इसके ऊपर थोड़ी हल्की हल्की कट लगा रहे हैं, इसके बाद हम इसके पीसीस करेंगे। और याद रखें कि नाइफ को आप बहुत अच्छे से डस्ट करें और उसी के बाद इसको कट करें, तो बहुत शार्प कट होगा। ये देखें, सारे पिनव्हील्स हमारे बन गए हैं, ये बेक होने के लिए रेडी हो गए हैं। तो हमने इनको एक बेकिंग ट्रे में रख दिया है। इसके ऊपर हम एग वॉश लगा रहे हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है, जिसके अंदर हम इनको बेक करेंगे। तो हमने कढ़ाई को प्री हीट कर लिया था,
मीडियम टू हाई हीट पर हमने इसमें ये बेकिंग ट्रे रख दी है और इसको हम 50 मिनट्स तक बेक करेंगे। 50 मिनट्स तक कवर करके बेक करना है। 50 मिनट्स हमारी हो चुकी है। देखिए ये हमारे पिज्ज़ा पिन व्हील्स है या पिज्ज़ा रोल्स है वो बनकर रेडी हो गए हैं। बहुत अच्छे सॉफ्ट और बहुत अच्छे से फूले हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। आखिर में हम इसको ओरेगानो से गार्निश करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास ओरेगानो या इटालियन हर्ब्स अवेलेबल है तो उनको थोड़ा सा इसके ऊपर स्प्रेड कर दें और इसके बाद इसको गरम गरम पिज्ज़ा सॉस के साथ या किसी भी आपके मनपसंद सॉस के साथ सर्व करें। तो बहुत अच्छी सी हमारी ये स्नैक एक बनकर रेडी हो गई है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा। अगर रेसिपी पसंद आई है तो लाइक का बटन को प्रेस कर दें, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दें। इसी के साथ हम साइन ऑफ करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें। टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग सैयद्स किचन।